पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। सभी रिश्ते खूबसूरत होंगे, लेकिन शर्त यह है कि रिश्तों में शरारतें तो हो पर साजिशें नहीं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना तो अकेले ही है। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और नज़रिया ज़्यादा हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के मन का, मुलाकातें ना सही आहटे आती रहनी चाहिए। सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही मिल सकता है। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में न हो, नज़दीकियाँ बेकार है अगर जगह दिल में न हो। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं और ना ही अपना सकते हैं। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। नाराज़गियों को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो, गलतियों पर बात करने से रिश्ते और भी उलझ जाते हैं। कभी भी आपको लगे कि इस रिश्ते से बाहर निकल आना चाहिए तो ज़रा सोचना कि इस रिश्ते को शुरू ही क्यों किया था। रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ते तो वो हैं जिसमें कितनी भी दूरियां हो लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो। एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत फाड़ना। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। हर किसी को उतनी ही जगह दिल में दो जितनी वो आपको देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो आपको रुलाएगा। सुख में 100 मिले दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे साथी वही है नेक। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वो लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी भी रिश्ते का अंत तब निश्चित हो जाता है जब किसी का हद से ज़्यादा प्यार और परवाह अगले को बोझ लगने लगता है। न जिद है न गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें। इश्क गुनाह है तो गलती की हमने, सजा जो भी हो मंजूर है हमें। तुम अपने गम को भुला कर तो देखो, बिना बात के मुस्कुरा कर तो देखो। राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, तुम उम्मीदों के दिए जला कर तो देखो। बस यूं ही मेरे मुस्कुराने की तुम वजह बने रहना, जिंदगी में न सही मगर मेरे यादों में बने रहना। सच्चा प्यार करने वाला आपको गुस्से में गलत तो बोल सकता है, लेकिन आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी नाराज़गी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा प्रेम होता है। समय सत्ता संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव समझदारी सत्संग और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इतना आसान नहीं होता जीवन का हर किरदार निभा पाना, इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए।
मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। लोगों को सिर्फ उतना ही बताएं जितना उनके लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा बताना आपके मूर्खता की निशानी है। अपनी उम्र से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से अधिक होती है। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो, जो किसी भी अच्छे इंसान को अपना होने ही नहीं देता। किस्सा जिंदगी का बस इतना ही है जनाब, कि जिंदगी बनाने के चक्कर में लोग जीना ही भूल गए। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता है, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। खामोशियाँ बोल देती है, जिनकी बातें नहीं होती। इश्क उनका भी कायम रहता है, जिनकी मुलाकातें नहीं होती।